तो कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पर इंसानों के साथ साथ और भी कई तरह के क्रिएचर्स रहते थे, जैसे कि बर्ड्स, ग्रिफिन्स, बीस्ट, यहाँ तक कि फेरीज भी। मगर इन सब के ऊपर जो राज करता था वो ड्रैगन्स थे। इस दुनिया में लगभग हर एक लिविंग बींग के पास उसके आराम के हिसाब से घर था। फिर हमें एक गुफा के अंदर एक स्लाइम कपल को दिखाया जाता है जो कि अपने नए घर में शिफ्ट होने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, और जो उनको ये घर बेच रहा था वो एक्चुअली एक डीमन लॉर्ड था। वो स्लाइम कपल को उनके नए घर का सारा फीचर्स दिखाता है, जिसको देखकर वो दोनों अब और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और तुरंत कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं। जिसके बाद हमें अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को दिखाया जाता है जो कि एक रेड ड्रैगन था और उसका नाम लेटी था, जिसे उसकी फैमिली ने कुछ समय पहले ही घर से निकाल दिया है क्योंकि वो अंडे की रक्षा करने में असफल रहा। जिस रात उसे अंडे की रक्षा करना था वो सो गया, मगर हंटर का पता चलने के बावजूद वो इतना डरपोक था कि वो अपने अंडे को वापस लेने के लिए हंटर के सामने तक नहीं आया क्योंकि उसको चोट लगने का डर था। और जैसे ही उसके फादर को इस बारे में पता चला, उन्होंने लेटी को घर से निकाल दिया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तुम सभी ड्रैगन्स के ऊपर एक कलंक हो। और अब वो पहली बार पूरी तरह से अकेला हो गया था एक ऐसी दुनिया में जो कि मिस्टीरियस चीजों से भरी हुई है, और बाकी ड्रैगन्स की तरह ना वो पावरफुल है और ना ही हिम्मत वाला। अपनी आईडी को देखते हुए वो सोचने लगता है कि इतने खराब स्टैट्स के साथ आखिर वो इस दुनिया में कैसे सरवाइव करेगा। वो सोचता है कि अगर उसके पास एक घोंसला होता तो वो आराम से वहाँ छिप सकता था। तभी उसे अचानक से एक कहानी याद आती है जिसमें तीन कमजोर ट्रोल्स ने एक मजबूत किला बनाकर अपनी बाकी की जिंदगी आराम से रहे। इसलिए फिर वो बौनों के पास अपना नया घर ढूंढने के लिए निकल जाता है, मगर रास्ते में ही वो बेचारा ड्रैगन कैद हो जाता है और उसको ज़ेलोडो माइन में ले जाया जाता है, जहाँ के बौने ड्रैगन को कैप्चर करके काफी ज्यादा खुश थे। फिर हमें 30 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जब लेटी एक बौने के पास मदद मांगने के लिए गया था, मगर उस लालची बौने को तो ऐसा लगा कि ड्रैगन उनका सोना चुराने आया है, इसलिए उन्होंने लेटी को कैद कर लिया। लेटी रोते हुए उन सब से कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर तुमसे घर बनवाने के लिए आया था क्योंकि मैंने सुना था कि तुम लोग मजबूत किला बनाने में काफी ज्यादा माहिर हो, और कहने लगता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। बौने उसको इस तरह से रोते हुए देखकर सोचने लगते हैं कि आखिर ये किस तरह का ड्रैगन है। लेकिन जब बौनों के सरदार को रियलाइज होता है कि ये ड्रैगन तो काफी ज्यादा कमजोर है, तो वो उसके लिए घर बनाने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन इसके बदले में वो लेटी के शरीर से कुछ ड्रैगन मैट्स बनाना चाहते हैं क्योंकि वो काफी अच्छे प्राइस में बिकते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि मुझे तुम्हारे हॉर्न चाहिए, और फिर टेल, और एक एक करके उसके बॉडी के सारे पार्ट्स के नाम ले लेता है। लेटी तो ये सब सुनकर अब और भी ज्यादा घबरा गया था और बस यहाँ से भागने के बारे में सोचने लगता है। तभी उसे याद आता है कि ये बौने तो काफी ज्यादा लालची हैं। वो उनका ध्यान भटकाने के लिए कहता है कि देखो कोई तुम्हारा सोना चुरा रहा है, और फिर मौका मिलते ही वो तुरंत उनके किले से भाग जाता है। मगर भागते हुए वो रास्ते में उसी हंटर से टकराता है जिसने उनका अंडा चुराया था, और तब तक वो बौने भी वहाँ पहुँच चुके थे। लेकिन यहाँ उनकी लड़ाई उस हंटर से हो जाती है जिसकी वजह से ड्रैगन को भागने का दोबारा से मौका मिल जाता है, और अब वो जंगल में अकेला बैठकर रोने लगता है। तभी कुछ हार्पियास लेटी को रोते हुए देखकर उसके पास आते हैं। लेटी उनको अपनी सारी कहानी बताता है, जिसको सुनने के बाद वो लोग लेटी को अपने साथ रखने के लिए राजी हो जाते हैं क्योंकि उनका नेस्ट अभी खाली है जब से यंग हार्पीस काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। हार्पियास दिखाते हैं कि उनका नेस्ट पेड़ के ऊपर है, मगर लेटी एक इतना होपलेस ड्रैगन था कि उसको उड़ना भी नहीं आता था, जिसका मतलब कि उसको ये पूरा पेड़ अपने पंजों की मदद से चढ़ना पड़ेगा। फिर थोड़ी ऊपर पहुंचने के बाद हार्पीस लेटी को अपने पंखों के इस्तेमाल से उड़ना सिखाने की कोशिश करते हैं, तो फिर लेटी जंप करके अपने पंखों के इस्तेमाल से ग्लाइड करने लगता है, जिसको देखकर हार्पीस काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ 3 सेकंड के अंदर ही वो दोबारा जमीन में धड़ाम से गिरता है क्योंकि वो अपने विंग्स को हिलाना ही भूल गया था। हार्पीस ये देखकर बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंसने लगते हैं, और बात करे लेटी की तो वो एम्बैरेसमेंट और शर्म के मारे चुपचाप बैठ जाता है। तभी हार्पीस उसको एक आइडिया देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें वैली की तरफ जाना चाहिए जहाँ एक जायंट ओक ट्री में काफी सारे गोब्लिंस रहते हैं। हमें यकीन है कि शायद वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। जिसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी थी और लेटी को किसी ने सिक्कड़ों से बांध कर पेड़ से उल्टा लटका रखा था।
गोब्लिन्स को तो लेटी एक जूसी डिनर लग रहा था, लेकिन जैसे ही ड्रैगन उनको हारपीस के बारे में बताता है तो गोब्लिन्स का एटीट्यूड पूरी तरह से चेंज हो जाता है। वो तुरंत लेटी को आजाद कर देते हैं क्योंकि उन्हें हारपीस काफी ज्यादा पसंद थे और वो उनको नाराज नहीं करना चाहते थे। अब यहाँ लेटी की कहानी सुनने के बाद गोब्लिन्स उससे कहते हैं कि तुम्हें अपना ये जर्नी जारी रखना चाहिए और साथ ही तुम्हें थोड़ा हिम्मत भी लाना चाहिए क्योंकि तुम एक ड्रैगन हो। जर्नी में आगे बढ़ते हुए लेटी को एक कापा मिलता है जो कि सहाराजा नाम के जगह में रहता था। कापा उसे अपने घर में रहने के लिए इनवाइट करता है, मगर जब लेटी उसके लेक के अंदर जाता है तब उसे पता चलता है कि वो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता है और ना ही तैर सकता है, इसलिए वो उसका ऑफर डिक्लाइन कर देता है। तो फिर कापा अब उसको ईस्ट की तरफ जाने के लिए एडवाइस करता है जहाँ उसे एक ग्रेट इग्रिसल ट्री मिलेगा जिसके पास डीरिया नाम का ग्रेट आर्किटेक्ट रहता है। उसी ने कापा का ये बड़ा सा घर बनाने में मदद किया था। तो फिर लेटी उसको थैंक्स कह के एग्रिसल ट्री की तरफ निकल जाता है। अब क्योंकि एग्रिसल ट्री काफी दूर था इसलिए रास्ते में वो एल्फ से डायरेक्शन भी पूछता है। फिर काफी दिनों के बाद लेटी फाइनली एग्रिसल ट्री के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसको एक हीरोज की टीम घेर लेती है और जैसे ही वो लेटी के ऊपर अटैक करने ही वाले थे कि तभी एक मिस्टीरियस बीइंग आकर अपने बुक के मदद से उन सभी को चुटकियों में हरा देता है। इतने खतरनाक पावर को देखकर लेटी पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था और साथ ही वो बेहोश भी हो गया था, मगर इसके कुछ देर बाद वो बौनों का डरावना सपना देखकर जाग जाता है और फिर उस ग्रे हेयर्ड एल्फ के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैंने सुना था कि इस जगह पर एक लेजेंडरी आर्किटेक्ट रहता है, जिस पर एल्फ रिवील करता है कि तुम जिसकी तलाश कर रहे हो वो मैं ही हूँ, द वन एंड ओनली डीरिया। अब पहले तो वो थोड़ा घबरा गया था, लेकिन फिर वो डीरिया के सामने रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम मेरी घर ढूंढने में मदद करो। अब क्योंकि डीरिया इतने सेंचुरीज से रियल एस्टेट बिजनेस में है इसलिए वो लेटी को तीन ऑप्शंस देता है। पहला कि वो अपना घर शुरुआत से बनाए, दूसरा उसे दूसरा का बना बनाया घर खरीदना होगा, या तीसरा वो किसी प्रॉपर्टी डीलर से रेंट पर घर ले सकता है। डीरिया बताता है कि वो एक रजिस्टर आर्किटेक्ट भी है और साथ ही एक लाइसेंस रियल एस्टेट एजेंट भी, और अब जबकि लेटी के पास इतना ज्यादा ऑप्शन था इसलिए वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि डीरिया उसके लिए ही अवतार लेकर आया है, जिसके बाद डीरिया लेटी को अपना कार्ड देता है जिस पर लेटी पढ़ता है कि यहाँ तो डीमन लॉर्ड लिखा हुआ है। तो इस पर डीरिया कहता है कि हाँ मेरा ये भी एक काम है। फिर वो लेटी से पूछता है कि बताओ तुम अपना घर देखने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हो, जिसके जवाब में लेटी कहता है कि मुझे तो बस एक छोटा सा झोपड़ी चाहिए जो कि आरामदायक और उसके साइज का होना चाहिए। अब उसके बताए हुए डिजाइन को बनाते वक्त डीरिया बताता है कि अगर तुम ऐसे किसी घर में रहोगे तो तुम्हारी मौत कोई नहीं टाल सकता, और बताता है कि हीरोज ऐसे घर में तुम्हें आसानी से आकर मार सकते हैं। तो ये सुनकर लेटी पूछने लगता है कि आखिर ऐसे कितने सारे और इंसान हैं जो कि हीरोज बनते हैं, जिस पर डीरिया बताता है कि हीरोज को स्पेशली नॉन ह्यूमंस को मारने के लिए ट्रेन किया जाता है। वो लोग एक तरह के किलिंग मशीन्स हैं जो कि बाकी क्रिएचर्स के साथ साथ अपने लोगों को भी मारते हैं, जिसके बाद डीरिया लेटी से कहता है कि अब हमें जल्दी से अपना काम शुरू कर देना चाहिए। और फिर एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल का इस्तेमाल करके वो डीरिया को एक टेंपल के पास लेकर जाता है। डीरिया बताता है कि इस जगह को काफी सारे पावरफुल बीइंग्स ने यूज किया था, जिसके अंदर काफी सारे एंटी हीरो ट्रैप्स हैं। अंदर हाउस टूर देते वक्त डीरिया लेटी को वार्न भी करता है कि यहाँ पर काफी सारे ट्रैप्स हैं, तो अपना कदम थोड़ा देख कर रखना, मगर लेटी जो कि एक बेवकूफ है वो बताने के बावजूद ट्रैप में पैर रख देता है। फिर डीरिया उसके पास पहुंचकर उसे बताता है कि वो लोग एक सबटेरेनियन डोमेन में है जिसमें कई सारे एंटी हीरो ट्रैप्स हैं। लेटी के मना करने के बावजूद भी डीरिया उसको पूरा हाउस टूर देना चाहता था और साथ ही उसकी टेंशन दूर करने के लिए ये भी कहता है कि मुझे रिजरेक्शन मैजिक भी अच्छी तरह से आता है। जिसके बाद घूमते हुए वो लोग एक हीलिंग पूल के पास आते हैं, जिसको देखते ही लेटी तुरंत वहाँ स्विमिंग के लिए चला जाता है, मगर वो ये बात भूल चुका था कि उसे तैरना नहीं आता और तुरंत डूबने लगता है। फिर किसी तरह से बाहर निकलने के बाद डीरिया उसको बताता है कि अब वक्त आ चुका है टॉप फ्लोर में वापस लौटने का। अब जैसे ही वो दीवार चढ़ना शुरू करता है तभी अचानक से वहाँ कुछ हीरोज आ जाते हैं और लेटी के ऊपर अटैक करने ही वाले थे कि तभी उनके सामने डीरिया आ जाता है। तो अब ड्रैगन मीट ना मिलने के फ्रस्ट्रेशन से वो लोग डीरिया के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देते हैं, मगर डीमन लॉर्ड तो बिना एक बूंद पसीना बहाए उन सभी को एक ही झटके में खत्म कर देता है। फिर जैसे ही लेटी ऊपर पहुंचता है तो डीरिया वहां जाकर देखता है कि लेटी तो काफी ज्यादा थक गया है, इसलिए वो उसको जाकर उसकी इतनी मेहनत के लिए शाबाशी देता है। वहीं लेटी इस
चीज से काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसके फादर ने आज तक कभी भी उसको किसी भी चीज के लिए अप्रिशिएट नहीं किया था। फिर इसके बाद कुछ दिनों तक लेटी एक घायल सिपाही की तरह चल रहा था, जिसको देखकर डीरिया पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर लेटी कहता है कि मेरे मसल्स थोड़ा क्रैम्प कर रहे थे, मगर तुम मुझे ये बताओ कि हमारा अगला डेस्टिनेशन कहाँ है। फिर इसके कुछ समय बाद डीरिया रिवील करता है कि उनका अगला स्टॉप एक ऐसी जगह है जहाँ पर कभी भी कोई हीरो नहीं आना चाहेगा, और अगर लेटी इस जगह पर रहता है तो उसे कभी भी अकेला फील नहीं होगा। फिर जैसे ही वो लोग मैंशन के अंदर पहुँचते हैं, लेटी देखता है कि ये जगह तो सिर्फ देखने में ही डरावना नहीं बल्कि सच में काफी ज्यादा डरावना है, और इसका नाम भी मैंशन ऑफ द डेड है। लेटी तो डर के मारे यहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर डीरिया उसको खींच कर अंदर ले आता है और कहता है कि भूतों के साथ रहना तुम्हारे लिए काफी अच्छा रहेगा क्योंकि वो लोग कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। लेटी जैसे ही मैंशन के अंदर बढ़ता जा रहा था, उसकी हालत डर के मारे और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। फिर मामला और भी ज्यादा डरावना बनाने के लिए डीरिया उसे बताता है कि इस जगह में काफी सारे एक्सोर्सिज्म फेल हो चुके हैं, और फिर उसे एक वैक्यूम क्लीनर देता है और बताता है कि आज रात के लिए वो लोग यहीं रहेंगे, इसीलिए इमरजेंसी के टाइम पर तुम इस वैक्यूम क्लीनर को यूज कर सकते हो। जिसके बाद लेटी को गुड नाइट कहकर डीरिया यहाँ से चला जाता है। लेकिन डीरिया के जाते ही लेटी को एक बच्चे का भूत नजर आता है, जिसको देखकर वो डर के मारे रूम से भाग जाता है, और जैसे ही वो डीरिया का रूम ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगता है तभी उसे रियलाइज होता है कि ये जगह तो भूतों से भरी हुई है। फिर एक भूत से टॉर्च लेने के बाद लेटी एक रूम के पास जाता है जो कि खून से भरा हुआ था, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत अपने रूम की तरफ लौटने लगता है, मगर अब रास्ते में उसके लिए और भी कई सारे भूत इंतजार कर रहे थे। तो फिर उनसे बचने के लिए जैसे ही लेटी उस खून से रंगे दरवाजे को खोलता है तो अंदर से एक डरावने भूत को देखकर वो डर के मारे बेहोश हो जाता है। अब लेटी को इस तरह से बेहोश देखकर किंग ऑफ घोस्ट डीरिया से कहने लगता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक ड्रैगन इतना ज्यादा डरपोक भी हो सकता है। भूतों के राजा सैमुअल से मिलने के बाद डीरिया को पता चलता है कि वो लोग तो बस यहाँ पर उन्हें वेलकम और हेलो कहने आए थे। तभी सैमुअल को याद आता है कि डीरिया पहले भी एक ड्रैगन के साथ रहता था, जिस पर डीरिया कहता है कि हाँ, ड्रैगन के साथ रहे मुझे काफी समय हो गया है और शायद इसी वजह से लेटी के लिए मेरे दिल में एक सॉफ्ट स्पॉट है। जिसके बाद लेटी डीरिया से कहता है कि उसे एक ऐसा घर चाहिए जहाँ वो रिलैक्स कर सके। तो अब उसकी बात समझने के बाद डीरिया उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसे एक ऐसा घर दिलाएगा जो कि उसे बहुत पसंद आएगा। अब वहाँ से जाने के बाद अगले दिन जैसे ही वो दोनों अपना जर्नी रिज्यूम करते हैं, तब डीरिया लेटी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ एक जगह पर चलना चाहोगे, जिस पर लेटी एक वफादार कुत्ते की तरह कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, मगर साथ ही वो ये भी पूछता है कि आखिर तुम वहाँ किस लिए जाना चाहते हो, जिसके जवाब में डीरिया बताता है कि उसे क्रोम्सलेयर जाना है। क्रोम्सलेयर का नाम सुनते ही लेटी काफी ज्यादा डर जाता है। लेटी डीरिया से पूछता है कि क्या हमें सच में फिर से एक डरावने जगह पर रुकना पड़ेगा, जिसके जवाब में डीरिया कहता है कि अब जबकि तुम्हारे पास बेड नहीं है तो हमें तुम्हारे लिए किसी से बेड तो लेना ही होगा। जिसके बाद वो याद करने लगता है कि हॉरर मेंशन में उन्होंने एक बेड छोड़ दिया था। तो लेटी डीरिया से पूछता है कि क्या हमें अब उस हॉरर मेंशन में दोबारा जाना पड़ेगा। तभी एल्फ एक सफेद कलर का बैग निकालता है जो कि देखने से डोरेमोन का पॉकेट के जैसा लग रहा था, और उस क्लूलेस ड्रैगन को बताता है कि इस पॉकेट के अंदर हम किसी भी तरह के सामान को रख सकते हैं, चाहे उसका साइज कितना ही बड़ा क्यों ना हो। फिर डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद वो लोग एक गंदे से गुफा के अंदर जाते हैं जहां उनको तीन बूढ़ी चुड़ैल मिलती हैं। उनको देखकर लेटी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। तभी डीरिया बताता है कि ये तीनों ग्रे सिस्टर्स हैं जो कि अपने एल्केमी और क्राफ्टमैनशिप के लिए फेमस हैं। वो बूढ़ी औरतें लेटी को वेलकम करती हैं और बताती हैं कि वो लोग किसी नए कमर को अंदर तो नहीं आने देती, मगर तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमसे कोई खतरा नहीं होगा। जिसके बाद एक बुढ़िया उनको सीक्रेट एंट्रेंस से अंदर लेकर जाती है। अंदर से वो जगह काफी ज्यादा बड़ा था जिसमें काफी सारे रेयर आइटम्स थे। तीनों बहनें बताने लगती हैं कि हमारे पास दुनिया की हर एक चीज है सिवाय ऐसी चीज की जो कि लेटी को बहादुर बना सके। जिसके बाद फिर डीरिया लेटी के सामने एक डोर लेकर आता है जिसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा था। लेटी नोटिस करता है कि इसमें तो कोई डोर हैंडल ही नहीं है, जिस पर डीरिया एक्सप्लेन करता है कि इस डोर का हैंडल अलग से बिकता है और अलग अलग डोर हैंडल की मदद से वो अलग अलग जगह में जा सकता है, बिल्कुल डोरेमोन
अमेजोन के एनीवेयर डोर की तरह। लेडी तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि उसको अब ट्रैवल करने के लिए बिल्कुल भी चलना नहीं पड़ेगा। लेडी वहाँ रखा एक डोर हैंडल उठाकर जल्दी से दरवाजा खोलता है, लेकिन उसके सरप्राइज में दरवाजे की दूसरी तरफ डॉर्फ्स का शहर खुल जाता है और ये बौने अब भी ड्रैगन मीट ना मिलने की वजह से उदास थे। अब लेडी को इस तरह से डरा हुआ देखकर तीनों सिस्टर उसका ध्यान एक दूसरे डोर की तरफ करती है जिसका नाम था डोर ऑफ द गैलेंट लेडी। लेडी भी डोर पर बने हुए ब्यूटीफुल लेडी की पेंटिंग देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी अचानक से वो पेंटिंग बोलने लगती है और डेरिया लेडी को बताता है कि अगर तुम सही समय में मैजिकल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो तो ये लेडी तुम्हें तुम्हारी मनचाही जगह पर ले जाएंगी, लेकिन अगर तुमने ज्यादा समय लगा दिया तो ये तुम्हारे ऊपर एक घटिया सी पोयम सुनाएगी। और हमेशा की तरह इस बार भी लेडी का किस्मत खराब था। गैलेंट लेडी अनाउंस करती है कि अब समय पूरा हो चुका है और फिर लेडी के ऊपर एक बहुत ही घटिया और उसका इंसल्ट करने वाला पोयम सुनाती है, जिसको सुनकर लेडी एम्बैरेसमेंट के मारे रोने लगता है। तो फिर उसको चुप कराने के लिए डारिया उसका ध्यान ऊपर फायरप्लेस की तरफ करता है। लेडी को ये आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो फायरप्लेस के साथ अपना फ्यूचर इमेजिन करने लगता है, लेकिन उसका ये सपना तब टूट जाता है जब डारिया उसे बताता है कि ये फायरप्लेस बहुत ही ज्यादा भारी है और जब तक तुम 10 ग्रेट खली को नहीं खा लेते हो तब तक तुम इसे नहीं उठा पाओगे। और बात करें उन सिस्टर्स की तो वो लेडी से कहती है कि इस फायरप्लेस को रखने के लिए पहले तो तुम्हें एक घर की जरूरत है, जिसको सुनकर लेडी का डिप्रेशन अब और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज देखकर अब डेरिया लेडी से पूछता है कि क्या तुम एक नया घर शुरू से बनाना चाहते हो, जिसको सुनकर लेडी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो दोनों टेलीपोर्ट होकर एक पहाड़ी के ऊपर चले जाते हैं जिसका लोकेशन बहुत ही ज्यादा सुंदर था। मगर इससे पहले कि वो घर का काम शुरू करते लेडी डेरिया को बताता है कि उसके पास एक भी पैसे नहीं है, जिस पर डेरिया उसे बताता है कि तुम जिंदा तो बहुत ही ज्यादा गरीब हो मगर तुम्हारे ऑर्गन बेचने से काफी ज्यादा पैसे आ जाएंगे। मगर इस वक्त लेडी मरना नहीं चाहता था, जिसके बाद फिर वो अपना वॉलेट निकाल कर डेरिया को दिखाता है और पूछता है कि बताओ क्या इसमें कुछ हो सकता है। मगर डीमन लॉर्ड को तो उसके वॉलेट में से सिर्फ एक दांत मिलता है। लेडी बड़े ही पैशनेटली उसको बताता है कि अगर वो इस दांत को अपने तकिए के नीचे रखकर सोएगा तो एक सुंदर सी परी आकर इसको पैसे से बदल देगी, जिस पर डेरिया उसे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ये तो बस बच्चों की एक कहानी है जैसा कि सांता क्लॉज रियल में नहीं होता। अब इससे पहले कि लेडी डिप्रेशन में आकर उस पहाड़ी से जंप करता, डेरिया उसे बताता है कि तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हम बाद में एड्रेस करेंगे और फिर हाउस के लिए एक ब्लूप्रिंट निकालता है। डेरिया पूरा लेआउट लेडी को एक्सप्लेन करता है और फिर उसके अप्रूवल से काम शुरू करने के लिए ताली बजाकर अपने कुछ बंधुआ मजदूरों को समन करता है, जिसके बाद फिर डीमन लॉर्ड के ऑर्डर से काम शुरू हो जाता है। सबको काम करता हुआ देखकर लेटी उनकी मदद करना चाहता था मगर इसमें भी वो फेल हो जाता है, जिसको देखकर डेरिया सोचने लगता है कि एक ड्रैगन होने के बावजूद भी लेटी इतना ज्यादा क्लमजी कैसे हो सकता है। डेरिया जो कि एक पैशनेट आर्किटेक्ट भी था वो लेटी से कहता है कि ताजमहल भी एक ही दिन में नहीं बना था, इसीलिए थोड़ा सब्र करो। फिर एक सप्ताह के बाद उसका घर बनकर तैयार हो जाता है। लेटी इसके लिए सभी को थैंक यू कहता है मगर डेरिया उसको बताता है कि पहले उन्हें हीरोज के आने का इंतजार करना होगा ताकि उन्हें मार कर उनका इक्विपमेंट्स बेच कर तुम इसके पैसे चुका सको। लेटी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, तो फिर डेरिया उसकी मदद करने के लिए तीन मॉन्स्टर को समन करता है और वो तीनों तो पहली बार एक ड्रैगन को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। डेरिया लेटी को बताता है कि ये लोग तुम्हारे बॉडीगार्ड्स के रूप में काम करेंगे, जिसके बाद डीमन लॉर्ड उसको अपना घर एंजॉय करने के साथ साथ गुड लक कहकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन मुसीबत लेटी का पीछा नहीं छोड़ती। उसी रात कुछ हीरोज वहाँ रेड करने के लिए आए थे मगर हीरोज का लीडर लेटी को देखकर पहचान जाता है कि ये तो वही ड्रैगन है जिसने उसके कई सारे साथियों को मारा था और इसी वजह से वो डर के मारे यहाँ से भाग जाता है और इस वजह से रातों रात लेटी का रेप्यूटेशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। आसपास के सभी मॉन्स्टर्स ये कहानी सुनकर लेटी को ओवरपावर्ड फ्लेम लॉर्ड का टाइटल दे देते हैं, मगर लेटी तो इससे बिल्कुल खुश नहीं था। वो दुकान से सामान लाने के बहाने से अपना घर छोड़कर भाग जाता है। रास्ते में उसको डेरी मिलता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर तुमने अपना नया घर क्यों छोड़ दिया, जिसके जवाब में लेटी एक्सप्लेन करता है कि अब उसका घर हीरोज के लिए एक टारगेट बन चुका है जहां आकर वो मॉन्स्टर को मार सकते हैं और यहां का खजाना लूट सकते हैं। वो कहता है कि मैं हमेशा से एक शांत जगह पर रहना चाहता था जहां कोई भी मुझे परेशान ना करे। तो लेटी की ये बात सुनकर अब डेरिया कहता है कि तुम्हारी ये इच्छा मैं पूरी कर सकता हूं और फिर टेलीपोर्ट
करके उसको नॉर्थ पोल में ले जाता है। और यहाँ आकर लेटी को रियलाइज होता है कि ज्यादातर होमलेस लोग शराबी क्यों होते हैं। तभी वो नोटिस करता है कि डेरी तो गर्म कपड़े पहनकर आराम से चाय पी रहा था और कहता है कि मैं तुम्हें एनिमल इंडेंजरमेंट के एक्ट में अंदर करवा सकता हूँ। जिस पर डेरिया कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए भी गर्म कपड़े लेकर आया हूँ। और फिर अपने डोरेमोन वाले पॉकेट से वो लेटी के लिए कई सारे गर्म कपड़े निकालता है। और फाइनली गर्म कपड़े पहनने के बाद जब लेटी का दिमाग शांत होता है तो फिर वो डेरिया से पूछता है कि आखिर वो उसको यहाँ क्यों लेकर आ गया। जिसके जवाब में डीमन लॉर्ड उसको याद दिलाता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें एकांत वाली जिंदगी चाहिए जो कि हीरोज और हंटर से दूर हो। तो बताओ नॉर्थ पोल से बेहतर और कौन जगह हो सकती है। जिसके बाद वो ये भी बताता है कि नॉर्थ पोल में जमीन काफी ज्यादा सस्ती है तो तुम्हें बजट के बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। लेटी को अब रियलाइज हो गया था कि डीमन लॉर्ड हर एक बात को सीरियसली लेता है। जिसके बाद फिर डेरी लेटी को यति के ऊपर एक लो बजट डॉक्यूमेंट्री दिखाता है कि किस तरह से वो लोग ठंडी जगह पर रहते हैं और शिकार करते हैं। फिल्म दिखाने के बाद डेरी लेटी से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर घर चाहिए तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। जिस पर लेटी पूछता है कि क्या उसे यहाँ पर खुद से पूरा घर बनाना पड़ेगा तो डीमन लॉर्ड उसको बताता है कि इग्लू बनाने में ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम खुद इसको आराम से बना सकते हो। और फिर डेरी के गाइडेंस और लेटी के मेहनत से वो लोग 3 रूम का एक इग्लू बनाते हैं। जिसके बाद डेरी लेटी से कहता है कि अकेले आइसोलेशन में नेचर के बीच में रहना सर्वाइवल कहलाता है, इसलिए तुम्हें यहाँ अपने अंदर के बेयर गिल्स को जगाना होगा। फिर 3 दिनों के बाद मैं तुम्हें चेक करने के लिए दोबारा आऊंगा। लेटी भी सोचने लगता है कि अब तो उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट शुरू हो गया है। जिसके बाद डीमन लॉर्ड उसको गुड बाय कहकर यहाँ से चला जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगले पार्ट में हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह से लेटी नॉर्थ पोल में सर्वाइव करता है। दोस्तों अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट जरूर लिखना, क्योंकि ये एनीमे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।